इस साल महू बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। महू में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को अलग रूप से मनाने की तैयारी की जा रही है। इस बार महू में राष्ट्रीय गौरव यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के अनुयायी शामिल होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर 13 अप्रैल को शहर में राष्ट्रीय गौरव यात्रा निकलेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने 14 अप्रैल को महू आएंगे। 4 दिवसीय अम्बेडकर जयंती समारोह 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहेब की जन्मस्थली पर मनाया जाएगा। 12 अप्रैल धम्म देशना, 13 अप्रैल राष्ट्रीय गौरव यात्रा और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें बाबा के हजारों अनुयायी बाबा साहेब की जन्मस्थली पर मत्था टेकने आएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू में अंबेडकर जयंती की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को लेकर शासन और प्रशासन कई बार मीटिंग कर कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है। इस बार अंबेडकर जयंती कुछ नए तरीके से मनाई जा रही है। इससे पहले हर साल 14 अप्रैल को विशाल कलश यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस साल अंबेडकर जयंती के पूर्व यानी 13 अप्रैल को राष्ट्रीय गौरव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें घोड़ों पर बालिकाएं सवार होंगी। साथ ही महारेजिमेंट के पूर्व सैनिक व अधिकारी भी वर्दी में शामिल होंगे। महू में अंबेडकर जयंती समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अंबेडकर स्मारक समिति के राजेश वानखेड़े ने बताया कि समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय गौरव यात्रा के नाम से ये यात्रा 13 अप्रैल को निकाली जाएगी, जिसमें घोड़ों पर सवार होकर छोटी बालिकाएं शहर में भ्रमण करेंगी। वानखेड़े ने बताया कि राष्ट्रीय गौरव यात्रा में पहली बार महार रेजिमेंट पूर्व सैनिक और अधिकारी वर्दी में शामिल होंगे, जो इस राष्ट्रीय यात्रा का आकर्षण का केंद्र होंगे। वानखेड़े ने बताया कि यात्रा में गायक गायिकाएं अपने ऑर्केस्ट्रों के साथ रास्ते भर भीम गीतों की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 12 अप्रैल को धम्म देशना कार्यक्रम होगा, जबकि 14 अप्रैल को हजारों की संख्या में अनुयायी दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस उत्सव के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा अनुयायियों के लिए भोजन पानी व ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। पिछले वर्ष तो अंबेडकर जयंती पर ऐसी धूमधाम से मनी, लेकिन कोरोना के कारण क्राउड कम था उस समय। अभी स्मारक समिति के सभी सदस्य, सभी मेंबर, सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इस बार बहुत भव्य पैमाने से, और वास्तव में हमारा पहला प्रयास है कि महू के जितने प्रबुद्ध जन है जो वर्षों से इस अंबेडकर जी की जयंती को मनाते आ रहे हैं, वो सभी समाज, सभी वर्ग के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ दर्शनार्थी आने, दूर दूर से दर्शनार्थी जो आते थे उनकी व्यवस्था की जा करते थे, चाय की, पानी की, रोटी की और सारी जो सेवाएं कर सकते थे वो कर सकते थे। उन कड़ी को वापस जोड़ने का प्रयास हम अंबेडकर जन्मभूमि के माध्यम से कर रहे हैं और सभी प्रबुद्ध समाज से मिलकर इस बार बहुत विशाल पैमाने में अंबेडकर जयंती मनाने का प्रयास स्मारक समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हम लोग समाज के प्रत्येक समाज के वर्ग, सभी व्यक्तियों की हमारी लगातार मीटिंग हुई है। 17 से 18 मीटिंग हमारी हो चुकी है। इस बार हम पूरा महू अंबेडकर स्मारक समिति नहीं, अंबेडकर जन्मभूमि के साथ साथ पूरा महू ही बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों के प्रति और उनके आयोजन के प्रति उत्साहित है। पूरा समाज, पूरे महू के सारे लोग एक साथ मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।